बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी खैर गुड मॉर्निंग तो नहीं है, 2:30 बज चुका है और मैं जा रही थी जोहर की नमाज पढ़ने, तो मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग शुरू कर दूं। और नमाज के बाद हम लोगों को जाना है पासपोर्ट ऑफिस, नादरा के ऑफिस जाना है। अच्छा, एक है नादरा, मेगा नादरा, तो वहाँ तो खैर नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। हम लोग जाएंगे जो लियाकताबाद का है, लियाकताबाद में है, वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, मेरा दुपट्टा खराब हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत कम रश होता है और लोग भी बहुत कम होते हैं, और बस थोड़ा सा काम है वहाँ पे, वो करवाएंगे। और फिर उसके बाद एक जगह और जाना है, तो बस सब जगह से होते हुए अपना काम करते हुए घर आ जाएंगे। और क्या, बस चलें जल्दी से नमाज पढ़ते हैं और फिर जल्दी से चलते हैं। अच्छा जी, तो बस अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल करे और सबकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे और बस सब खुश व खुर्रम रहें, यही सबकी दुआ होती है। तो बस हम लोग निकल गए थे और आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोग जा रहे हैं गलियों गलियों में से। और ऐसा अक्सर होता है जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड ना गाड़ी अंदर से कहते नहीं, शॉर्टकट से चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएँगे, यहाँ ट्रैफिक है, ये है वो है। और अक्सर ये होता है कि जब भी हम किसी गली में टर्न होते हैं ना, वहाँ से तो खैर हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जी आगे तो गटर बह रहे हैं या कोई गाड़ी ऐसे खड़ी है, कोई कंटेनर है या किसी का घर बन रहा है, तो रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। और ऐसा अक्सर ही होता है कि हम लोग कहीं पर भी जा रहे हों और ये ना हो, तो बस फिर वापस गाड़ी टर्न करनी पड़ती है और हमें वापस उसी रास्ते पर आना पड़ता है जहाँ से चले थे। और ये देखें जी, ये ख़त्म हो गया है पेट्रोल। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मोबाइल बंद कर दो, आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं कराची में, तो ऐसा नहीं हो कि मोबाइल छिन जाए। और अल्लाह ना करे मेरा मोबाइल छिने, एक ही तो मोबाइल है मेरे पास जिससे वीडियोस वगैरह बनाती हूँ मैं, और वही मेरे बहुत काम आता है। और बस कराची पे भी अल्लाह ताला अपना रहम करे, और सभी लोग महंगाई से, सब चीज़ों से इतने ज़्यादा परेशान हैं, और बस सभी अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे। और ये हम लोग पहुँच गए थे पासपोर्ट ऑफिस, और यहाँ ये देखें जी सब सन्नाटा पड़ा है। और बस यहाँ से फिर हम लोग मालूमात करके आ गए थे, अब हमें कल दोबारा जाना पड़ेगा और जल्दी जाना पड़ेगा। तो आते हुए हम लोगों ने सोचा कि नारियल ले लेते हैं, और नारियल के मैं आप लोगों को रेट बताऊँ, ये एक भाई ना एक नारियल दे रहे थे 350 का। यह हाल है महंगाई का, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक चीज़ जो 100-150 की मिलती थी या 200 लगा लें चलें आप, वो है अब 350 की। और ये जो बच्चा खड़ा है ये नारियल बेच रहा था। और आज जी फाइनली मैंने आपको ग्रीन बस दिखा ही दी, ये देखें जी सामने से जा रही है और कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। अच्छा, जब ग्रीन बस में के टिकट के लिए नीचे जाओ ना, ऐसे लगता है हम किसी लंदन पेरिस में आ गए, क्योंकि बेसमेंट माशाल्लाह से इतना खूबसूरत बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ से टिकट वगैरह लेने में। और ग्रीन बस में बैठ के तो आपको यही लगता होगा कि हम किसी और मुल्क में हैं क्योंकि अक्सर पाकिस्तान वगैरह में ऐसे काम लेट ही होते हैं या होते ही बहुत कम हैं। तो बस वहाँ से आते हुए बच्चों के लिए हम लोगों ने चीज़ें ली और कचौरी और समोसे लिए थे। खैर मेरे को तो इस टाइम खाना नहीं था, मैंने नाश्ता ही इतना लेट किया था कि बिल्कुल भी भूख नहीं थी, बच्चे और मेरे हस्बैंड ही थोड़ा बहुत खा लेंगे। और बस ये देखें जी, और अच्छा ये जो भाई हैं ना ठेले वाले, अक्सर मेरे हस्बैंड इनसे लेते हैं। और ये सामने आपको स्कूल ब्रिलियंट कैरियर, यहाँ से उरूब ने 5 तक अपनी पढ़ाई की थी, उरूब ने भी और सोनू ने भी, इसके बाद मैंने उन्हें SM में एडमिशन करा दिया था, लिए थे तो बस वही उन्हें निकाल के देते हैं। और बस कॉफ़ी बनाते हैं और चाय वगैरह भी पीते हैं क्योंकि हस्बैंड। और जी ये देखें कचौरी और ये रोल, ये जो छोटे छोटे से ये थे ब्रेड के रोल, और ये एक रोल उन्होंने दिया है 25 रुपये का। खैर मैं तो ये चीज़ें कम ही खाती हूँ, बस बच्चों को ही पसंद है तो वही खाएंगे। और आज मैं उरूब से कह के गई थी कि लहसुन अदरक वगैरह छील के रख लेना क्योंकि आज हमें बनानी है नहारी, और बस बीफ नहारी बनाएंगे और शान के पैकेट से ही बनाएंगे क्योंकि बस फटाफट वाला काम करना है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड को मैं कॉफ़ी बना के दे दूँ, तो ये फेंट रही हूँ मैं कॉफ़ी। और जब भी आप कॉफ़ी बनाएं तो बस उसे कॉफ़ी और चीनी लेके उसमें थोड़ा सा आपको गर्म पानी डालना है और उसे बहुत अच्छे से फेंट लेना है, मुश्किल से 2 से 4 मिनट लगेंगे और आपकी कॉफ़ी फेंट के बहुत मज़े की फ्लपी सी बन जाएगी।
और ये उरुप बना रही थी अपने लिए स्पेगेटी और मैक्रोनी दोनों को मिक्स करके, तो बस उसी की ही मैरिनेशन कर रही थी। और बच्चों को मेरे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं, क्योंकि अक्सर कभी भी शाम में खाना वगैरह नहीं होता तो वो यही चीज़ें बनाकर खा लेते हैं या कुछ भी और कर लेते हैं। तो बस जी ये कॉफ़ी भी माशाल्लाह से रेडी हो गई है, थोड़ी थोड़ी मैंने नीचे डाल दी थी, फिर उसमें दूध ऐड किया और फिर थोड़ा हम ऊपर से उसे डाल देंगे। और बहुत मज़ेदार कॉफ़ी बनी थी, काफ़ी दिन बाद बनाई थी मैंने। खैर उरूब और ये लोग तो बना के पीते ही रहते हैं, लेकिन मैंने अपने हाथों से काफ़ी दिन बाद बनाई थी। और उरूब ने भी है ना सालन पकाने की पूरी तैयारी करके ही रखी हुई थी, और आज पूरा सालन माशाल्लाह से उरूब ने बनाया और निहारी बनाई, बहुत मज़े की बनी थी। और आप भी देखिएगा कि उसने कैसे बनाई। खैर मुझसे पूछ पूछ के ही बनाई थी, बच्चियां जाहिर सी बात है जब कोई काम करती हैं तो माँ बाप से पूछ कर ही करती हैं कि कैसे बनेगा क्या होगा, उन्हें बस आप समझाते रहें बताते रहें, इसी तरीके से ही कुकिंग आ जाती है। और अक्सर जो बच्चियां होती हैं तो अपनी माँ को देख कर ही काफ़ी कुछ सीख जाती हैं कि कैसे हमारी मामा काम कर रही हैं या अम्मी काम कर रही हैं। तो बस जी ये गोश्त वगैरह धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था इसने, और ये देखें आपको प्याज भी नज़र आ रही होगी, लहसुन अदरक भी पिसा हुआ था और पैकेट तो शान का ही था। तो बस अब देखें उरूप कैसे चमचा चलाती है। और तकरीबन आज का पूरा दिन ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अपना, कि आज सारे दिन मैंने क्या क्या किया। तो ये था मेरा डे इन माई लाइफ। तो बस अगर आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग पूरे दिन क्या क्या करते हैं और कैसे एक्सपेंड करते हैं अपना टाइम। तो बस जी उरूब ने जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें प्याज गुलाबी कर ली थी, और फिर उसके अंदर डाल दिया था इसने तमाम जो बीफ है ये। अच्छा ये आप निहारी चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी, जिसमें भी बनाएंगे बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। और बस लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसने ऐड कर दिया था। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको भूनना है। अच्छा जब प्याज के बाद आप बीफ डालेंगे ना तो उसकी भी बहुत अच्छे से आपको भुनाई करनी है, ताकि जो बीफ की एक स्मेल होती है वो निकल जाए। और फिर लहसुन अदरक डाल के भी भूनना है, और फिर जब हम ये मसाला ऐड करेंगे उसके बाद भी इसकी भुनाई करनी है, और फिर इसके बाद इसमें डलेगी दही। अच्छा ये थोड़ी एक्स्ट्रा मिर्चें डाली थी मैंने, क्योंकि है ना मिर्चें अक्सर कम लग रही होती हैं और निहारी वगैरह तो ये थोड़ी सी चटपटी ही अच्छी लगती है, यानी कि तेज़ मिर्चों की अच्छी लगती है। और बस अब इसमें दही भी डाल के इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे, जितना भुनेंगे इसमें इतना टेस्ट आएगा, ठीक है। और फिर बस भूनने के बाद इसमें हमें इतना पानी डाल देना है कि अच्छे से गोश्त भी गल जाए हमारा, और जितना हमें इसमें शोरबा रखना है इतना वो पानी बाकी भी रह जाए। खैर अगर पानी कम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं होता, आप दोबारा से पानी गर्म करें और इसमें ऐड कर दें, और जितनी आपको इसमें रखना है शोरबा या जितनी इसे थिक रखनी है इतनी रख लें। खैर इसमें जब बाद में हम मैदा या आटा डालेंगे तो उससे ही इसकी थिकनेस आती है, और बस मज़ेदार सी हमारी निहारी तैयार हो जाएगी। और आखिर में इसमें लगा देंगे हम भगार, और इसके अंदर डालेंगे हम ये पानी। ये मैंने लिया है आटा, ठीक है मैदा नहीं था तो मैंने आटा ले लिया, 2 से 2.5 टेबल स्पून है ये, और इसे अच्छे से हम घोल लेंगे, और इसके बस तमाम लम्स ख़त्म हो जाएं, और फिर इसके अंदर हम इसे निहारी में डाल देंगे। अच्छा निहारी बोलते हैं या निहारी बोलते हैं, अक्सर यही कन्फ्यूज़न हो जाती है और समझ में नहीं आ रहा होता कि मुँह से क्या निकल रहा है। तो बस जी इसे अच्छे से घोलते हैं और डाल देते हैं, और बस फिर खाना खाएंगे। आज का दिन ऐसा ही गुज़रा, और ये देखें गोश्त भी कितने अच्छे से गल चुका है, गोश्त बीफ या मटन या चिकन जो भी हो उसे अच्छे से ही गलना चाहिए, वरना कच्चा गोश्त होता है या मटन या बीफ होता है तो फिर मज़ा नहीं आ रहा होता खाने में। और बिरयानी या निहारी या पाया होना ये तो जितना अच्छा गला हुआ हो इतने ही मज़े का लग रहा होता है, और इतना ही इसमें टेस्ट आता है फिर। और बस इसके अंदर हम डाल देंगे, खैर अभी तो ये पतली है इसमें थोड़ा और मैं डालूँगी, और फिर इसे रख दूँगी मैं 10 से 15 मिनट के लिए और पकने के लिए। तो बस ये इस आटे के साथ भी अच्छे से पक जाएगी, और फिर हम इसमें लगा देंगे मज़ेदार सा भगार। तो ये भगार तैयार हो रहा है हमारा, और सिर्फ सिंपल प्याज का भगार लगाना है। प्याज हमें गुलाबी करनी है, ब्राउन करनी है, गोल्डन कलर की, और उसे इसमें डाल देनी है।
और हमारी मज़ेदार सी शान के पैकेट से निहारी तैयार हो गई है। बस तंदूरी नान के साथ आप इसे खाएं और मज़े करें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना हमारा रेडी है, सब खाना खा रहे हैं माशाल्लाह से। और आ जाएं, आप लोग भी खाना खा लें और आप लोग भी माशाल्लाह कह दिया करें प्लीज़ वीडियो को देख के। और शीरमाल भी मंगाए थे हानिया ने, हानिया को और इसके पापा को बहुत पसंद है शीरमाल। तो बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। पसंद आ गई हो तो लाइक और शेयर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।